अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां सरकार लगातार किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धि कराने का दावा कर रही है, लेकिन रीवा में कुछ अलग ही तस्वीर निकल के सामने आई है। यहां किसान कई दिनों से खाद लेने के चक्कर में परेशान होते दिखाई दिए। किसानों का कहना था कि 4-5 दिन से चक्कर लगा के थक गए हैं, लेकिन ना तो टोकन मिलता है और ना ही खाद। जब भी वह लाइन में खड़े होते हैं तो यह बोल दिया जाता है कि अब कल मिलना, स्टॉक खत्म हो चुका है। ऐसे कर करके 4 से 5 दिन बीत गए लेकिन खाद नहीं मिलती। लगातार मिल रही शिकायतों का जायजा लेने जब हमारी टीम करहिया मंडी पहुंची तो लंबी लाइनें दिखीं और अधिकारियों का बर्ताव भी किसानों के साथ अच्छा नहीं था। उक्त मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद दूसरे दिन कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और खाद वितरण की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कराई। इस दौरान यह भी बताया कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। आइए आपको दिखाते हैं अधिकारियों ने किस तरह से व्यवस्था बनवाई और क्या कहना है। मेहनत करने के बाद ये बताइए, मेरी बात नहीं, 2 एकड़ में 5 बोरी नहीं दे सकते हैं। मेरे आदमी बता दे, कौन लेता है? ये लीजिए कॉपी। चलिए मैं दिलवाता हूँ। 5 एकड़ में 5 देते हैं, 2 एकड़ अगर हमारे पास 2 कॉपी है जिसमें 2 है तो 5 बोरी। आप ये बताओ, आप हमें ये बताइए किसे चाहिए यूरिया? यूरिया के किसान जी चाहिए यहाँ पर लाइन लगाने। बिल्कुल कमी नहीं है। जिले के सभी डबल लॉक सेंटर में 6 डबल लॉक सेंटर हैं, मऊगंज, हनुमना, चाकघाट, जवा, गुड़ और करहिया। सिर्फ करहिया में ज़्यादा लोकलिटी के कारण भीड़ लगती है। मंडी भी है, किसान आते हैं, अपना उत्पाद बेचते हैं, सोचते हैं कि यहीं से खाद ले लें, तो यहाँ पे ज़रूर भीड़ लगती है। 3 दिन से लगातार हम लोग 4 काउंटर खोले हुए हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 4 दिन से लगातार खाद बढ़ रही है 4 काउंटर से। राजस्व विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग, कलेक्टर साहब के निर्देश में हम लोग दिन रात यहाँ खड़े रहते हैं। जब तक खाद बनती जब तक हम लोग खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं। अभी अभी जो है जितना मात्रा था DAP वो ख़त्म हो गई। इसके बाद भी NPK 12-32-16-20-20-0 वो खाद उपलब्ध है। बहुत सारे किसान ले रहे हैं कि DAP की जगह हम ये लेंगे। हम समझाइश भी देते हैं कि NPK जो है 3 तत्व तो मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सभी चीज़ें मिलती हैं, आप इसका उपयोग करें। आप यूरिया DAP को भूलें कि मात्र आप यूरिया DAP रहें। DAP मात्र 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, जबकि पोटास की भी आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम चावल दाल में बराबर मात्रा हर चीज़ की नहीं डालेंगे, बहुत अच्छा व्यंजन बनाएंगे यदि नमक नहीं होगा, और नमक की आवश्यकता आपको शरीर में, इसी तरह फसल को पोटास की आवश्यकता पड़ती है। यदि यदि जो परेशान थे कि बिल्कुल जो परेशान थे उनको मैं आपके सामने ले आया हूँ, यहाँ दुकान में दिलवा रहा हूँ। यूरिया स्वीकार कर रहे हैं ना सर कि खाद नहीं, खाद की कमी नहीं, अभी खत्म हो गई, परसों फिर रेख हमारी लग रही है। मीडिया की टीम आई थी खाद को लेकर, काफी किल्लत थी। नहीं, किल्लत नहीं कह सकता कि किल्लत थी, आज अभी खत्म हुई है, दोपहर 2 बजे तक बटी है। अनिश्चित रूप से प्रयास किया गया मीडिया को कवरेज ना करे, बिल्कुल नहीं रोक दे। ये कहा गया कि अच्छी न्यूज दें किसानों को, सकारात्मक न्यूज, गलत न्यूज ना जाए कि बड़ी किल्लत है। किल्लत है नहीं, किल्लत है नहीं जिले में। आराम से, प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त है, शासन लगातार आपूर्ति कर रहा है, लगातार आ भी रही है, परसों फिर रैक लग जाएगा DAP का। मात्र यहाँ पे कमी है, जिले की पूरी बात हो रही ना, तो 5-6 डबल लाख तो 5 डबल लाख पर्याप्त मात्रा यहाँ अभी खत्म हुई, परसों यहाँ भी आ जाएगी। और यहाँ NPK ऑलरेडी उपलब्ध है, और जिन किसानों को नहीं मिली है उन किसानों को मैं उनके साथ हूँ, खड़ा हूँ, और मैं जाके प्राइवेट दुकान में जहाँ भी हूँ उसी दर पर, जो दर पर शासकीय दर पर खाद यहाँ बिकती है वहाँ मिल जाएगी। ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड नहीं लगाया है, हाथ से लिखा है हमने, अभी इसको समझा दीजिए आप बोर्ड लगाओ, जबकि देखिए आपके सामने यह बोर्ड लगे, फोटो खींच ले। दुकानों में खाद उपलब्ध है, आती कहाँ से? नहीं, दुकानों में ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, आप ये कैसे कर सकते? डाटा मेरे पास है, 2,500 मेट्रिक टन सोसाइटी में है, यहाँ जो है 1,500 मेट्रिक टन है प्राइवेट में, 7,000 मेट्रिक टन DAP लगभग पूरे जिले में थी, मतलब कोऑपरेटिव DMO। क्या लगता है? बिल्कुल कमी है ही नहीं है, लगातार सरकार जो है
आपूर्ति की जा रही है, कमी है ही नहीं। आज तो खाद उपलब्ध नहीं है, आज के लिए मैं मानता हूँ, आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज कमी है, परसों आ जाएगी। डीएपी लग रही है सर, आजकल आजकल किसान क्या करेंगे सर? आजकल किसान आज और कल वेट कर ले, नहीं तो वो वेट ना करे जिनको तत्काल जरूरत है, उसके लिए तो मैं तत्पर हूँ, मैं दिलवाता हूँ, चले मेरे साथ, मैं दिलवा दूंगा, अभी खड़े होकर दिलवाऊंगा। क्या मानते हैं खबर चलने के बाद प्रशासन जागा है? नहीं, प्रशासन पहले से जगा है, प्रशासन पहले से जगा हुआ, पूरे प्रदेश का प्रशासन जगा हुआ, किसानों के साथ में है। कल शाम को काफी किल्लत थी, कहाँ पे जगह किल्लत बिल्कुल नहीं थी, हम लोग शाम को यहीं थे, परेशान इसलिए होते हैं लोग बाग की जब लंबी लाइन लगती है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अलग अलग काउंटर बन जाए तो लंबी लाइन न लगे।